Hey guys, I am back with another amazing Minecraft video. तो क्या तुम सभी मेरे जैसे मोबाइल के अंदर जावा एडिशन खेलते हो? ऑब्वियसली मैं पुजाऊ लॉन्चर की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर हम ज्यादा पुजाऊ लॉन्चर की बातें नहीं कर सकते, नहीं तो ये वीडियो ही आप सभी को नहीं मिलेगा कुछ टाइम बाद। दोस्तों बेसिकली आज हम एक बटन के बारे में बात करने वाले हैं। ये कौन सा बटन है? तो बेसिकली ये क्यू बटन है, जैसे एबीसीडी में क्यू आता है ना, क्यू। ओके, तो ये क्यू बटन है, इसका माइनक्राफ्ट के अंदर क्या यूज है, जावा के अंदर, उसके बारे में आज का ये वीडियो है। तो बहुत सारे लोग ऐसा बोलने वाले कि भाई मुझे तो पता है क्यू का क्या यूज है, ये वो पता है, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी भी क्यू का यूज नहीं पता एंड वो यूज करना चाहते हैं। तो दोस्तों अगर आप सभी जावा खेले नहीं हो एंड आपने जावा खेलने वालों को देखा है तो आप सभी को पता है वो लोग ऐसे बहुत, मान लो आप मेरे पास देख सकते हो इतनी सारी वुड है, तो पॉकेट एडिशन के अंदर तो ऐसे एक एक करके वुड को मैं नहीं फेंक सकता, लेकिन जावा के अंदर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ऐसे वन बाय वन एक एक करके आइटम्स को फेंक देते हैं, लाइक किसी चीज को ना, तो वो कैसे करते हैं? ओके, उसमें आप सभी को पता है उनके पास कीबोर्ड होता है, वो कीबोर्ड की मदद से गेम खेलते हैं। लेकिन अगर तुम सभी मोबाइल के अंदर जावा खेल रहे हो तो इधर तो कीबोर्ड नहीं है भाई, तो क्या करें उसके लिए? उसके लिए इन्होंने ना बहुत सारे बटन्स दिए हमें, वो सेम बटन है जावा वाले जो कीबोर्ड में होते हैं वैसे ही। ओके, तो उसमें से क्यू बटन आता है, तो क्यू का बेसिकली यूज यही है, इसकी मदद से आप सभी वन बाय वन आइटम्स को ड्रॉप कर सकते हो। ओके, ये बस इतना सा यूज है इसको। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक क्यू बटन ऐड करेंगे, ठीक है? तो हम कहीं पर भी कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप सभी देख सकते हो ऊपर एक बटन है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, हो जा। तो यहाँ पर आप सभी को जाना है सबसे नीचे कस्टम कंट्रोल्स में। ओके ओके, अब ये चला गया ना, एक बार फिर से इसके ऊपर क्लिक करना है ऐसे। तो यहाँ पर देख सकते हो बहुत सारी चीजें, सबसे ऊपर लिखा है ऐड बटन, तो इसी के ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड एक बार स्क्रीन पर प्रेस कर देना। यहाँ पे आ गया न्यू, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, तो यहाँ पर अब हम बटन्स ऐड कर सकते हैं, लाइक सबसे पहले तो बटन का नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ओके, अगर आपको शो करवाना है तो रखो, अगर आप सभी को उसको हटाना है ना तो कुछ मत रखो, लाइक उसके बाद साइज है, आप कितना बड़ा रखना चाहते हो, मैं इसको इतना ही रखना चाहता हूँ। इसके बाद मैपिंग है, तो मैपिंग अननोन है। ओके, तो सबसे पहली वाली मैपिंग है ना, हम इसी को करेंगे, बाकी नहीं करेंगे। ओके ओके, इसके अंदर सबसे पहले देखो तो बहुत सारे बटन्स है, तो हम बस ये क्यू ऐड करेंगे इसमें। तो क्यू ऐड कर दिया, ऐप किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं है, सबसे पहले इसको सेट करना है। इस बटन को मैं सबसे इस वाले जो कोना है ना, इस वाले कॉर्नर में सेट करना चाहता हूँ, तो मैंने कर दिया है। अभी के लिए मैं इसे हाइड नहीं करूंगा, ये ऐसे रखूंगा। अब हम इसे सेव करेंगे। सेव करने के लिए सबसे पहले आप सभी को यहाँ पे सेव पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे एक न्यू हम नेम ऐड कर लेते हैं इसका। सबसे पहले मैं ये रख देता हूँ क्यू बटन। ओके, इसका नाम हम क्यू बटन रख देते हैं, नहीं तो कुछ और हो जाएगा। ओके, क्यू बटन ये हो गया। अब देख सकते हो ये सेव नहीं हुआ अभी तक। अब देख सकते हो मेरे पास तो कोई क्यू बटन है ही नहीं, तो उसके ऊपर एक बार फिर से क्लिक करना है। आपको कस्टम कंट्रोल में जाना है, फिर से एक बार क्लिक करना है, फिर आप सभी को लोड पे क्लिक करना है। ओके, लोड पे क्लिक करके यहाँ पे क्यू पे क्लिक करना है। ओके, फिर यहाँ पे देख सकते हो सेलेक्ट डिफॉल्ट कंट्रोल। ओके, इस पे क्लिक करना है एंड फिर से यहाँ पे क्यू पे कर देना एंड उसके बाद सेव कर देना इसे। तो ये देख सकते हो सेव हो गया मेरे पास, नहीं तो ये सेव में भी बहुत दिक्कत होती है लोगों को भाई। अब मेरे पास क्यू बटन सेव हो गया, अब देखो मैं वन बाय वन ऐसे करके आइटम्स ड्रॉप कर सकता हूँ, देखो। ओके, तो ये सिंपल था बिल्कुल, बस इसका यही यूज है क्यू बटन का। अब मान लो देख सकते हो मेरे तो स्क्रीन पर कोई भी बटन नहीं है, आप सभी सोच रहे हो, लेकिन बटन है भाई, मैं बटन की मदद से खेल रहा हूँ, लेकिन ये सभी बटन हाइड है। तो अगर आप सभी इसे हाइड करना चाहते हो तो फिर से आप सभी को समझाना है, कस्टम कंट्रोल में जाना है, इसके ऊपर क्लिक करना है। ओके, नीचे आना है आप सभी को, यहाँ पर देख सकते हो बटन ऑपोजिट है ना, इसको बिल्कुल आप सभी को जीरो कर देना, ठीक है? इसको जीरो करने के बाद आप सभी को फिर से इसको सेव करना पड़ेगा। तो अपन सेव कर दे, इसी के अंदर इसको सेव कर देते, बस याद रखना है कि हमें कि वो बटन कौन सा है, नहीं तो काम नहीं होगा तुम्हारा। जैसे यही था हमारा बटन। ओके, इसको फिर से सेव कर देते हैं। तो देख सकते हो अभी हमारा काम हो चुका है, हमारा बटन सेव हो गया, लेकिन बटन दिख भी नहीं रहा। ऐसे तो कितना अच्छा सिस्टम है, इजीली आप सभी बटन स्टॉप कर सकते हो। तो वो उस कोने में मैंने इसलिए रखा है उसे, आप सभी चाहो तो कहीं भी रख सकते हो, ऐसा नहीं है बस कोने में रखना है उसे, तो जहाँ पर रखना चाहते हो उसे वहाँ पर रख सकते हो, ताकि आप सभी को यूज़ करने में ईजी हो, बस वहाँ पर रखना है उसे। लाइक आप किसी भी चीज़ को ड्रॉप कर सकते हो एक क्लिक करके, देखो ऐसे। ओके, ये देखो। मान लो आप सभी को किसी और बटन के बारे में जानना है कि किस बटन का क्या यूज़ है, तो उसके लिए आप सभी कमेंट कर सकते हो, कमेंट बॉक्स खोलना पड़ा है। आई थिंक आप सभी को आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना एंड मैं मिलूंगा ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय दोस्तों।